नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबर जड़ से डिजिटल और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। मैं इस समय फरीदाबाद के सबसे बड़े नागरिक हॉस्पिटल बीके की मोर्चरी के बाहर से लाइव हूं और इस समय आप देख सकते हैं कितने सारे लोग यहां पे मौजूद हैं। पूरा मामला क्या है, कहां का मामला है, क्या है, आइए जानते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? प्रदीप नाम है। प्रदीप जी, क्या मामला है बताएंगे? मामला ये, मेरा छोटा भाई है वो। थोड़ा सा ऊँचा बोलिएगा। मेरा छोटा भाई है वो जिम जाता था। अच्छा। महीने से तो उसके कुछ साथ के लड़कों में एक डंबल को लेकर कोई बातचीत हुई। अच्छा। झगड़ा हुआ। अच्छा। तो उन्होंने उस बात के ऊपर दीपक में थप्पड़ मार दिया था। अच्छा। जिम में तो जिम वाले भैया ने वहीं पे बात शांत करा दी थी, हमें नहीं पता था उससे पहले क्या हुआ है। अच्छा। एक हफ्ते बाद, ठीक है बोलिए। एक हफ्ते बाद परसों ये जिम गया था। मैं घर पे था नहीं, मैं ड्यूटी करता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ, और जिम गया ये लड़कों ने घेर के इसको मार पिटाई की इसके साथ में, ये भागा वहाँ से। अच्छा। तो जिम के आगे आया बाहर, वहाँ पे इसने अपने बचाव के लिए पत्थर उठाए, पत्थर मारने के बाद में अपना बीच बचाव कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे तीन चार लड़के थे और वो अकेला था। अच्छा, वो अकेला, दीपक अकेला था। इनके जो न्यूज वाले हैं सबके फोनों पे वो दिए वीडियो, जो वीडियो बचाव की है। उसने वो लड़के नहीं रुक पाए, उसको लगा मेरे को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। तो ये और आगे की तरफ भागा, जितने उसने भागा गया वो भागा आगे, कोई कबाड़े का गोदाम है उसमें वो घुस गया। मोटरसाइकिल से पीछा कर रहे थे दो और तीन पैदल भाग रहे थे। अच्छा। जो लड़का पंच होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ मारे थे, फिर चेहरे पे मारा था। अच्छा। वो कतई खराब हो चुका था बस। अच्छा। भगने के काम है। तो ये हफ्ते पहले की बात बता रहे हैं आप? ये परसों की बात है, झगड़ा हफ्ता साप्ताह पहले हुआ था और परसों की बात है जब मारा। फोन पे धमकी हमकी भी दिए उसे। अच्छा। तो यहाँ फैसला कर ले, चौकी जाने की जरूरत नहीं है। आप कौन है? मैं छोटा बड़ा भाई। उसे धमकी दी है कि तू यहाँ फैसला कर ले, चौकी वौकी मत जा, तो हमने तुझे मार मोड़ देंगे हम। अच्छा अच्छा। तो उसने, हाँ जी, फोन में पासपोर्ट लग रहा था। हाँ, पासपोर्ट लग रहा है। पता तेरे को? नहीं पता। तो उसने बताया अपने बड़े भाई को कि भैया मेरे पास फोन कर रहे हैं, मुझे ऐसे ऐसे धमका रहे हैं। तो मेरे बड़े भाई ने बोले कि तू एक काम करवाओ, तू घर पे ही रहा, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, कवर एवरेज देखने आया हूँ, खाली करना वहाँ से। तो मेरा भाई देखने गया था, तो मेरी मम्मी ने उसे खाना पीना बना के खिलाया था, खिचड़ी विचड़ी, उसे दवाई ववाई दिलवाई, फिर उसे सुला दिया था दोपहर को। सब सो रहे थे उस टाइम, तो ये अचानक ही पता नहीं क्या झूल बैठा इसके अंदर, उठन के बाहर गया था बहुत ज्यादा। जब लेट गया था ना दवाई खवा के, मैं बताता हूँ आपको, जब दवाई खा के सो गया था, जब उठ के गया था वो। अच्छा। तो शुरू से ये बता दो, जब इंसान ने मारा था, ये पंच मारे थे उसके। अच्छा अच्छा। जो लोहे के पंच होते हैं, लोहे के पंच, ये मारे थे, इसमें चेहरा था। अच्छा। जब दवाई खवाई, पापे खवाए, 4 बजे 3:30 बजे उठा था वो। अच्छा। ये सो गए थे जब लगाई थी उनने, उनने घुटकी दी थी फोन पे, तो तुझे मार देंगे, तो उससे पहले उसने फांसी लगा ली। अच्छा। तो अब क्या पुलिस वालों ने क्या कार्रवाई की, आपकी क्या अपील है पुलिस वालों? अब ये कार्रवाई करेंगे, अब देखो डेट को, देखो लड़का की फोटो दिखा देते एक बार। हाँ, फोटो दिखा दीजिए दीपक की। और आप बता रहे सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहे हैं, वो भी दिखा दीजिए अगर है तो। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हाँ, एक बार दिखा दीजिए, इसमें दिखा, ये दीपक, ये देखिए, ये फोटो है दीपक की, 17 साल उम्र है दीपक की, जिसने कल सुसाइड कर लिया है और आरोप लग रहा है 3 से 4 लड़कों पे। आपने नाम भी बता, सुने आपने हमें, आपके नाम, 4 लड़कों के नाम भी लिख के रखे हैं। सीसीटीवी फुटेज बता, दिखा दीजिए। मैं दिखाऊं? हाँ दिखा दीजिए। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है ना, इसमें नाम लिख के गया था वो, साफ दिख रहा है। 4 लड़कों के नाम भी लिख दिए थे उसने। अरे पीछे करो, आपको लगता है दीपक है? मामा। अच्छा, ये दीपक है, ये दीपक भाग रहा है। अच्छा ठीक है, ये देखिए दीपक जो है अपने बचाव के लिए पत्थर मार रहा है। इसने बहुत मारा था, पंच मारे थे। अच्छा, ये जो जो बिना टी शर्ट के है वो दीपक है, जो पत्थर मार रहा है, पत्थर मार रहा है अपने बचाव के लिए। अच्छा, अपने बचाव के लिए पत्थर मार रहा है। और ये फिर इसके पीछे नाम दिखाना, ये 5 बंदे। अच्छा, ये दीपक ने मरने से पहले नाम लिखे हैं तीनों के, ये देखिए 2 सन्नी है। अच्छा, 2 सन्नी है, 2 सन्नी नाम के हैं। देखिए ये सुसाइड नोट में दीपक ने 4 नाम लिखे हैं, 2 सन्नी नाम के लड़के हैं, 1 गौरव नाम का लड़का है और 1 कुलदीप नाम का लड़का है। तो 4 लड़के हैं जिनके खिलाफ आरोप लग रहे हैं, मारपीट के आरोप लग रहे हैं। 1 हफ्ता पहले लड़ाई हुई थी, अब 2 दिन पहले भी जान से मारने की कोशिश की गई दीपक को, जिसने बीच बचाव में दीपक जो है, आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया हमने आपको। तो ये सभी परिजन हैं दीपक के, और आपने पुलिस वाले के बयान भी सुने कि अभी फिलहाल पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद जो भी कार्रवाई की जाएगी उसे अमल में लाया जाएगा। तो ये पूरा मामला है कहाँ का है बताइए एक बार।
नहर कॉलोनी कॉलोनी के पास नहर पार 45 फुट रोड। अरे नहीं वो तो आ गया बीकानेर के पास। बीकानेर के पास पूरा एड्रेस एक बार बता दीजिए। पूरा नहर पार भारत कॉलोनी बीकानेर के पास। अच्छा। तो कुछ दिन पहले 8 दिन पहले उसको धमकी दी थी लड़के के। किसने धमकी दी थी? के पीछे डंपल के पीछे लोगों ने, जो लड़के हैं जो और आते हैं इधर उधर से। एक मिनट। फिर उनने धमकी देने के बाद उसने घर पे नहीं बताया था। अच्छा। फिर परसों शाम को रात के लिए वो जिम को गया था हफ्ता पीछे। फिर उसको घेर लिया सारे लोगों ने मोटरसाइकिल से भगा भगा के उसको बहुत मारा पीटा है। जो पंच होते हैं उससे भी मारा है। या ये फट रही है। आप कौन हो? ये सिस्टर है। अच्छा अब बताओ। और उसने अपने बचाव के लिए उठा करके पत्थर मारे हुए हैं। पत्थर मारे हैं जब वो बच करके निकल के आया। कितने लोग थे वो? भाई आप भी लगत छोड़ दी है बेटा। मैं कहाँ ढूंढूंगी बेटे को? अपने लाल कहाँ ढूंढूंगी? मेरा बेटा बिना कसूर के चलोगा रे? मेरा बेटा मेरा भाई रे नाम। अरे बेटा कैसे सबर पड़ेगा? अरे वो मेरा दीपक है, मेरे दीपक है, कहाँ चलेगा? लोकेशन तो हमने बात की पुलिस वालों से भी जो आई हुए हैं इस ऑफिसर में। जो भी कार्रवाई होगी वो मन लगेगी बाकी। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर कर दीजिए। इस समय हम मौजूद हैं फरीदाबाद के मोर्चे के बाहर से, जहां पर नहर पार से एक मामला सामने आया है, जहां पर एक हफ्ता पहले दीपक 17 वर्षीय दीपक की जिम में लड़ाई होती है कुछ लड़कों से। जो 4 लड़के हैं बताया, गौरव 2 सन्नी नाम के लड़के हैं और एक कुलदीप नाम का लड़का है, इनसे लड़ाई होती है एक हफ्ता पहले। उसके बाद बहुत पहले फिर से दीपक पर जाने वाला हमला किया जाता है, चाकू दिखाई अपने को, जिसमें वो अपना बीच बचाव करता नजर आ रहा है, उन लड़कों पर पत्थर मारता नजर आ रहा है अपने बीच बचाव। सभी चार पांच लड़के और ये इस मार्केट से घर वालों को ये भी कहना है कि दीपक पर प्रेशर बना रहा था दबाव बनाने के लिए, कम करने के लिए, इसके दबाव में चले दीपक ने 17 वर्षीय दी है के घर से कोशिश करिए। बाकी किसी और खबर के साथ दोबारा से मेरे को यहाँ से फ्री करो, अगला काम शुरू करेंगे। हाँ चलो जी, मैं तो उसके इंतजार में हूँ। एक बार FIR कुछ नहीं किया आप, मुझे पूरे समय की जल्दी नहीं होता है। मेरे को व्हाट्सएप करो, मेरे जल्दी नहीं होता, मेरे पास व्हाट्सएप करो। अब इनमें सब कुछ जो कार्रवाई है, मैंने आपको अपना पर्सनल नंबर दे रखा है, मेरे पास व्हाट्सएप करो। हम बताइए चार पांच लड़कों ने मारा उसे, जो ये दिखा रहे हैं इससे भी ज्यादा पक्का सबूत मेरी बात। मैंने एक फोन है, जो ये कह रहे हैं, जो ये सुनो तो लो, इनका कहना है कि फोन पे धमकी दी है। मैं फोन रात ही ले आया था। हाँ, सुन रहे हो मेरी हाँ, बात दो रात। लेकिन इन्होंने कहा जी फोन है, ये मेरे को ये इस तरह की बातें करते हैं, इनको किसी पे विश्वास ही नहीं है। सुन लो, इनको किसी पे विश्वास ही नहीं है। मैंने फोन इनको वापस दे दिया, भैया तुम इस फोन को रखो, मैं निकलवाऊंगा मेरी ड्यूटी, वो सारा मेरा काम है, आप टेंशन नहीं मत लो। इस गरीब को इंसाफ चाहिए। किसने मना किया? अरे 10 मिनट लगेगी यार, तुम इसको लो बॉडी मेरे साथ चलो, उनके घर चलना। मैं आ जाओ 10 मिनट में करवा रहे हैं, लड़कों को उठाएंगे। बोला मैं तो घर नहीं जाऊंगा। अरे घर में तू डर किस ले रहे हो? मैंने कहा तू दूर से बता के आ जाओ, वो लड़का तुमने बिठाया वो वैसे डर रहा है, मैं भी नहीं जाऊंगा। अरे मैं बैठा हूँ। सुनील जी क्या मामला है, कहाँ से मामला सामने आया बताएंगे? एक लड़का है दीपक जी, जिसकी उम्र करीब 17 साल 8 महीने के करीब है जी, जो भारत कॉलोनी में 45 फुट रोड पर एक जिम है उसमें प्रैक्टिस करने जाता है। इसके साथ ही और भी 2-3 लड़के वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं जी। जो इनका अभी तक ये संज्ञान में आया है कि भाई वो 3 लड़के हैं, 2 मवई के हैं और 1 भारत कॉलोनी का, तो उनका परसों शाम के करीब इनको किसी बात पे लेके झगड़ा हुआ है और उन लड़कों ने इसके साथ मारपीट की है। जिम के अंदर झगड़ा हुआ? जिम के बाहर हुआ झगड़ा। अच्छा हुआ। अच्छा मारपीट की है, उसके बाद ये लोग ये घर पे आ गए हैं। घर पे आने के बाद में अगले दिन पुलिस के पास इसकी कोई सूचना नहीं थी झगड़ा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बताते हैं पता भी किया कि हाँ झगड़ा तो हुआ है। अच्छा जी। पुलिस लेकिन इनको इन्होंने इसके परिजनों ने लड़के ने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। उसके बाद 4:30-5 बजे के आसपास हमारे पास पुलिस कंट्रोल रूम से फोन आता है कि भी दीपक नाम के लड़के ने फलां एड्रेस पे फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। अच्छा। हम वहाँ पे पहुंचे, सीन ऑफ क्राइम टीम से मौके का निरीक्षण कराया गया जी, और उसके बाद में परिजनों से भाई संबंध में कार्रवाई कराने बारे लिखित में शिकायत देने के लिए कहा गया जी। जो मृतक की माता जी की और बहन की तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने बोला कि हम लिखित में सुबह शिकायत दे देंगे। अच्छा जी। जो आज उन्होंने बाई नेम 3 बंदों के लिखित में शिकायत दे दी है,
और भाई उस पर रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी यहाँ पे रखवा दी गई थी कल ही। इसके बाद में जैसी भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। अभी तक क्या कार्रवाई है? अभी तक तो ये मरक की कार्रवाई चल रही थी। अच्छा। जैसे फ्री होते हैं फिर कौन लड़के कौन है, क्या नाम है इनका? लड़के का नाम अभी जो सामने आया, एक का गौरव है जी, एक का सोनू है और एक का सन्नी और कुलदीप। सोनू सन्नी कुलदीप? हाँ जी सोनू नहीं है। अच्छा कुलदीप गौरव और सन्नी। कुलदीप गौरव और सन्नी, दो सन्नी हैं। तो ये सर पूछताछ जारी है, फरार है कैसे? अभी इस काम से फ्री हो जाएंगे तब वो स्टेप रखेंगे। ये सबसे पहला काम जरूरी है। अच्छा यहाँ से फ्री होके बॉडी हैंड ओवर करके उस काम में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके।